हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे है, सबसे पहले ये चीज एक बार ध्यान से समझते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी कैसे है इंडिया की। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए क्रिएट न्यू स्क्रीन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1000 करोड़ फॉर एग्जांपल रन दिस स्क्रीन, उसको बड़े से छोटे को हमने करके सॉर्ट कर लिया। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, सेकंड नंबर पर टीसीएस, थर्ड नंबर पर एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड आती है हमारी 8th नंबर पर। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड बोथ आर गोइंग टू मर्ज वेरी सून नाउ, दोनों का मर्जर का अप्रूवल वगैरह सब कुछ आ गया। तो जैसे ही ये दोनों मर्ज हो जाएंगी तो 9,34,000 करोड़ प्लस 5,06,000 करोड़, ये दोनों मर्ज होकर ये ऑलमोस्ट 14,40,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, विच विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इमीडिएटली, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे भारतीय एयरटेल 4,41,000 करोड़ की कंपनी है, कोटक महिंद्रा बैंक 3,76,000 करोड़ है, LIC 3,46,000 करोड़ है। तो ये बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। सन फार्मा 2,37,000 करोड़, इवन टाइटन 20th लार्जेस्ट कंपनी है आज की डेट में, ये काफी ऊपर आ गई है, ठीक है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस कि अगर हम कंपनी के सारे शेयर्स करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर लें तो हमें 15,00,000 करोड़ स्पेंड करने पड़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स को बाय करने में, राइट। हमें 15,89,000 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अब जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, अगर हम नीचे जाएं, सो प्रमोटर्स के पास कितना है, 50.41%, एंड प्रमोटर्स कौन है, मुकेश अंबानी एंड फैमिली, राइट। तो यानी कि इनके पास कितने, कितनी वैल्यूएशन के शेयर्स हैं, पूरी कंपनी कितने की है करंट मार्केट प्राइस पर, 15,89,000 करोड़, और इसका 50.41% मुकेश अंबानी एंड फैमिली के पास है। इट मींस ऑलमोस्ट 8,00,000 करोड़ के शेयर्स की वर्थ है मुकेश अंबानी एंड फैमिली की, ठीक है। तो यहां पर जो भी कंपनी का डेटा है, ध्यान से समझना, जो भी कंपनी का डेटा है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, पर शेयर एंड पर कंपनी, पर शेयर एंड फॉर द होल कंपनी। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम देखें तो पर शेयर क्या है कंपनी का प्राइस, पर शेयर प्राइस है 2,349 जो करंट मार्केट प्राइस है, राइट। जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है, दिस इज पर शेयर, पर पूरी कंपनी का कितना प्राइस है, पूरी कंपनी का प्राइस है 15,89,237 करोड़। तो ये कहां से निकल कर आया, ये निकल कर आया करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 677 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी कंपनी का मार्केट प्राइस आ जाएगा, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि पूरी कंपनी को परचेज किया जाए तो 15,89,000 करोड़ ऐसे आएंगे। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, और हमारा पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर हम लोग मल्टी बैगर्स की पहचान कर सकते हैं। सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर, ओनली एंड ओनली मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझकर वी कैन आइडेंटिफाई कि मल्टी बैगर होगा या कितना हो सकता है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो रियल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों ने सच में पैसा कमाया है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग यूज करते हैं। कोई भी जो टीचर्स हैं जनरली वे इस टर्म को यूज नहीं करते, जनरली यूज नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि समझ नहीं आता, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल के रूप में अगर हम यहां पर एक बार एशियन पेंट की बात करें, सो एशियन पेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 2,76,000 करोड़, राइट, 2,76,000 करोड़। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक बार एशियन पेंट का शेयर प्राइस ओपन करते हैं, इसका चार्ट पैटर्न हम एक बार ओपन करते हैं। हम सबको यह बात पता है कि एशियन पेंट एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर रहा है, और जिसने भी इसको लंबे टाइम तक रखा है सभी लोगों ने इसमें अच्छे पैसे कमाए हैं, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। तो अगर हम इसका पूरा चार्ट देखने लगे 2000 से लेकर अब तक, सो 2000 में इसका प्राइस क्या था, 2000 में इसका प्राइस था 22 रुपीज, जस्ट 22 रुपीज, राइट। हम यहां पर प्राइस देख सकते हैं, जहां भी हम कसर लेकर जाते हैं उसका प्राइस आ जाता है, सो दिस इज 21 रुपीज, ऑलमोस्ट 20 रुपीज। अभी क्या प्राइस है, 2,882 रुपीज। इट मींस ये शेयर प्राइस, ये स्टॉक कितने गुना हुआ हम यहां से लेकर और आज तक की प्राइस को अगर देखने लगे, सो 137 टाइम्स, 13,773% का गेन दिया, यानी कि 1 रुपी कन्वर्टेड इंटू 137 रुपीज, 1 करोड़ कन्वर्टेड इंटू 137 करोड़ रुपीज, 1 लाख बिकेम 1,37,00,000 रुपीज, राइट। दिस इज क्लियर। सो ये फेनोमिनल ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 2,76,000 करोड़ रुपीज है, अगर इसको हम What if I had started a mutual fund SIP of rupees 5,000 per month 25 years ago? इसको हम 137 से डिवाइड करें, आप समझ पा रहे हो इस बात को? अगर इसको हम 137 से डिवाइड करें, यहाँ पर 276,000 डिवाइडेड बाय 137, तो यानी कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2,000 करोड़ की रही होगी 2000 ईयर में, यानी कि अब से 23 ईयर्स बैक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रही होगी जस्ट 2,000 करोड़। आप समझ पा रहे हो इस बात को? बड़ा क्लियर है ना ये चीज, क्योंकि 137 टाइम्स अगर शेयर प्राइस हुआ तो अभी 2,76,000 करोड़ है, यानी कि सन 2000 में, ईयर 2000 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2000 रुपीज की रही होगी। बड़ा सिंपल है ये चीज समझने के लिए। अब इसी चीज को, अब मैं यहां पर एक और आपको कंपनी बताता हूं, दूसरी कंपनी हम लेकर चलते हैं, इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 5,458 करोड़ रुपीज। तो अगर हम एशियन पेंट की बात करने लगे और एशियन पेंट को हम यहां से डबल के प्राइस पर देखने लगे, लगभग जो यहां पर प्राइस रहा हमारा 50 रुपीज के आसपास, अब 50 रुपीज से लेकर 50 रुपीज कब था, 2006 में था,
या फिर हम 2023 की बात करते हैं, जैसे 20 इयर्स हो जाए हमारे पूरे, और 2023 में प्राइस वाज 30, सो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो गया, 30 रुपीज से 3000 के आसपास का टच किया, 100 टाइम्स हो गया एशियन पेंट का प्राइस, और 20 इयर्स में, क्योंकि 2003 से लेकर 23 तक हम कंपेयर कर रहे हैं। अब इंडिगो पेंट्स सिर्फ कितने करोड़ की कंपनी है, 5000 करोड़ रुपीज की कंपनी है, सिर्फ 5000 करोड़। एंड इंडिगो पेंट्स एक ब्रांड है, साउथ के एक बहुत अच्छे हीरो हैं, वो भी इनकी ब्रांडिंग करते हैं, एमएस धोनी भी इनकी ब्रांडिंग करते हैं, एंड दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, और कंपनी के हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। अगर हम इंडिगो पेंट्स की बात करने लगे, आप इसका डेट देखो जीरो है, जो कंपनी का फिक्स्ड एसेट से लगातार ग्रो किया है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार ग्रो की है। सीडब्ल्यूआईपी में डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है, तो यहां पर कैपेसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है। जो सेल्स है 35 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ हो गई है, जो नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ से बढ़कर 118 करोड़ हो गया है, और लगातार ग्रो कर रहा है। एंड दिस कंपनी इज फिफ्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। और इंडिया में जो पेंट कंजम्पशन है वो अफ्रीकन कंट्रीज के इक्विवेलेंट है लगभग, दैट इज इक्विवेलेंट टू अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि यहां से जो ग्रोथ है वो अमेजिंग ग्रोथ है। उसका रीजन क्या है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी कार बिना पेंट के नहीं आती, और इंडिया में नंबर ऑफ कार्स कितनी है पर 1000, जस्ट 22, अमेरिका में कितनी है 900, यानी कि यहां से ग्रोथ कितनी होनी है, अमेजिंग ग्रोथ होनी है, आप समझ पा रहे हो इस बात को। उसके साथ में अभी इंडिया में कितने घर हैं जो पेंट किए हुए रहते हैं, हम अगर अर्बन एरिया को छोड़कर थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि घर भी पक्के नहीं है, कच्चे घर हैं, पेंट होना तो बहुत दूर की बात है। कितने स्कूल्स खुलेंगे अभी, कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुलेंगे अभी, आप समझ कर देखो, वो सारे पेंटेड होंगे। जितना हाईवे बनेगा वो सारा पेंटेड होगा, जितने यहां पर लाइटिंग होगी, जितने पोल्स लगेंगे सारे पेंटेड होंगे, जितने ऑफिस नए बनेंगे सारे पेंटेड होंगे, जितनी हाई राइज सोसाइटीज बनेंगी सारी पेंटेड होगी। तो यानी कि पेंट का कंजम्पशन अभी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू है, और पूरी कंपनी कितनी है, जस्ट 5000 करोड़ की, इट मींस अगर हम एक छोटी सी बात लेकर चलें कि एशियन पेंट यहां से लगातार ग्रो होता रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर ये जो इंडिगो पेंट्स है नेक्स्ट 15 ईयर्स में एशियन पेंट जितना हो जाए, जितना एशियन पेंट आज की डेट में है, एशियन पेंट के बराबर वैसे नहीं, क्योंकि बड़ा भाई ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा भाई जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े भाई जितना हो जाएगा, एज में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जितना एशियन पेंट आज की डेट में है, अगर 15 ईयर्स भी लगे, 15 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी कैन अंडरस्टैंड दिस, वी कैन फील दिस कि 2004 में इंडिया में क्या था और आज की डेट में इंडिया में क्या है, वी कैन फील दिस। तो अगर 15 ईयर्स भी लगे तो ये 5000 करोड़ की कंपनी कैन बिकम ए कंपनी ऑफ 3 लाख करोड़, 2,76,000 करोड़ रुपीस, इट मींस ए 50 टाइम्स ग्रोथ। अगर 5000 करोड़ की कंपनी 50 टाइम्स भी हो जाए तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, 2,50,000 करोड़, राइट, यानी कि 50 टाइम्स पैसा कमाने का मौका है सिंगल ट्रेड में। सिंगल ट्रेड में कितना कमाने का मौका है, 50 टाइम्स। अब इससे अच्छा क्या होता है, कितने साल में, आई डोंट थिंक इट इज टेकिंग, इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 15 ईयर्स, क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं ना कि 15 ईयर्स में 50 टाइम्स हो जाएगा तो कई बार डाउट आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एशियन पेंट कितने टाइम में कितने गुना हुआ, मैंने पहले आपको वही दिखाया कि जब हम पास में जाकर देखते हैं ना तो चीजें नजर आती है। और जो पिछले 20 ईयर्स थे इंडिया के, और जो आने वाले 20 ईयर्स हैं इंडिया के, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आने वाले 20 ईयर्स ज्यादा फास्टर ग्रोथ लेकर आएंगे इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हम वर्ल्ड मैप पर इतने बड़े हो चुके हैं कि दूसरी कंट्री अगर हमें आकर दबाना चाहे तो हम दबेंगे नहीं, दैट इज द रीजन। हम इतने बड़े यहां पर हो चुके हैं, जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, छोटे से पौधे को अगर प्रोडक्शन ना दी जाए तो वो किल हो जाता है, मर जाता है, या तो तेज हवा में मर जाएगा या कोई पशु आकर खा जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो एक बड़ा पौधा बन जाए, एक इतना बड़ा बन जाए कि उसको अगर पानी नहीं दिया जाए तो जमीन से सक कर लेगा, उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके बाद सेल्फ सफिशियंट एंड सेल्फ ग्रोथ वाले मोड में चला जाता है। सो इंडिया आज की डेट में उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब ये सेल्फ मींस सेल्फ ग्रोथ के मोड में है। अब दूसरी कोई भी कंट्री इतना प्रेशर नहीं डाल सकती कि हम परेशान हो जाएं या हमें दबाया जा सके। अब जैसे सूडान है, सूडान को लेकर इंडिया क्यों इतना एग्रेसिव है और क्यों गल्फ कंट्रीज के साथ इतना बात कर रहा है और क्यों वहां पर अपनी इंटरवीन कर रहा है, क्यों अपना इंटरवेंशन कर रहा है, उसका सिंपल सा रीजन है, दिस होल अर्थ इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, इन 3 एरियाज नाउ। ये सब बातें समझने की जरूरत है अगर हमें सीरियस अच्छा बिजनेसमैन बनना है और इन बातों को समझना है। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 1 साउथ ईस्ट एशिया, 2 इंडियन कॉन्टिनेंट एंड मिडिल ईस्ट, एंड 3 यूरोप एंड अमेरिका। सो यूरोप एंड अमेरिका विल बी रूल्ड बाय गोरे लोग, वाइट पीपल सिटिंग इन अमेरिका, जर्मनी एंड यूके एंड फ्रांस, these 4 countries combined together, right? Europe and America, complete America I'm talking about. I'm not saying only USA. I'm saying US means North America and South America as well, the American continent. It will be ruled by these 4 countries. क्योंकि ये 4 countries अलग-अलग नहीं हैं, ये 4 countries एक ही हैं। अमेरिका में जो गोरे लोग हैं वो सारे फ्रांस से गए हुए हैं या स्पेन से गए हुए हैं या इंग्लैंड से गए हुए हैं, वो कहीं और से नहीं गए, वो एक ही हैं। जो मिडिल ईस्ट और इंडियन कॉन्टिनेंट है, that will be ruled by India. And it includes जो रशिया के डिवाइडेड थोड़ी सी कंट्रीज हैं, वहां पर भी इंडिया का ही रूल चलेगा आने वाले टाइम में। और ये चीजें स्टार्ट भी हो रही हैं, जैसे एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन भी हुआ है जिसमें ईरान है और जॉर्जिया है और इंडिया है, टू मेक ए रूट टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रशिया, और रशिया इसमें जो ऊपर की और कंट्रीज हैं उनका साथ ले रही है, राइट? तो ये एक सेकंड पोर्शन है। एंड थर्ड पोर्शन है जो पूरा साउथ का है, फिलीपींस, इंडोनेशिया और आपका मींस ताइवान और नॉर्थ कोरिया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं इन सबके ऊपर चाइना ही रूल करके रखेगा। और यही रीजन है कि जापान इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जापान को सीरियसली बचना है तो उसको इंडिया का साथ चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, चाइना उसको खा जाएगा। और यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को इंडिया चाहिए, क्योंकि अमेरिका वहां से ऑस्ट्रेलिया की मदद नहीं कर सकता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स और वहां के नेता आज के डेट में ये बोलते हैं, वी नीड फ्रेंड्स लाइक इंडिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर चाइना से बचना है तो इंडिया का साथ चाहिए।
सो पूरी पूरा वर्ल्ड ये थ्री मैप्स में डिवाइडेड है आज की डेट में, और ये डिवाइडेड होने का मतलब समझते हो कि पूरे वर्ल्ड को इस बात का पता है दैट इंडिया इज अनस्टॉपेबल नाउ, इंडिया को रोका नहीं जा सकता, तो बेटर है अपने एरियाज डिवाइड कर लो एंड इट इज वेल एक्सेप्टेड नाउ, और धीरे धीरे और एक्सेप्टेंस में आ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि यूएई को इंडिया ही चाहिए, सऊदी अरेबिया को इंडिया ही चाहिए, और यही रीजन है कि सऊदी अरेबिया और यूएई आज की डेट में पाकिस्तान को मना करते हैं किसी भी चीज को इंडिया का साथ देते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर उनको अपनी प्रोस्पेरिटी मेंटेन करके रखनी है और अमेरिका की गंदी राजनीति से बचाना है अपने लोगों को, तो उसको इंडिया का साथ चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? जब तक हम इन बातों को नहीं समझते हमारे माइंड में डाउट होता है कि इंडिया कब तक आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जब हम इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को अच्छे से समझते हैं ना, तब हमें क्लैरिटी आती है, यस दिस थिंग इज हैपनिंग, यस ये चीज है, और इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसीज आज की डेट में स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हमारी अपनी फ्रेंड कंट्रीज हैं, और इन फ्रेंड कंट्रीज में पूरा मिडिल ईस्ट है। इन फ्रेंड कंट्रीज में कौन है? पूरा मिडिल ईस्ट, कंप्लीट मिडिल ईस्ट। तो जब बात ये होती है ना कि विवेक भाई आप अपनी वीडियो में कई बार पॉलिटिकल सिनेरियो ले आते हो, आप एग्रेसिव हो जाते हो, मैं एग्रेसिव नहीं हूं, लेकिन ना अगर मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा खासतौर से अपने फॉलोअर्स को, तो जो काम मैं कर सकता हूं यानी कि मैं छुपा रहा हूं चीजों को, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैं यहां पर आपको ये क्लैरिटी दे रहा हूं कि इंडिया की ग्रोथ अगले 20 इयर्स तक रहने वाली है, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप अस, क्योंकि एक बात अमेरिका को पता चल गई है साफ साफ कि अगर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की तो गूगल को जरा सी देर में बाहर खड़ा कर दिया जाएगा और टीसीएस अपना गूगल बना देगा। आप ध्यान से समझना इस बात को, 2 मिनट लगेंगे उसको, और जो वो इतनी बड़ी मार्केट देख रहा है ना इंडिया के रूप में 140 करोड़ पीपल, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर देन दैट नाउ, बिकॉज जब ऑफिशियल काउंटिंग होगी तो हम शायद ज्यादा निकल कर आएंगे 140 से भी। और अमेरिका को पता है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज $2,300 नाउ, और इससे ऊपर की जो इनकम होती है वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट को बाय करने में हमें सक्षम बनाती है, वो कंफर्टेबल चीजों को बाय करने में हमें कैपेबल बनाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अमेरिका में बेचना चाहता है उसको उसका बायर अब यहां बनना शुरू हो रहा है। आप समझो इस बात को, वरना अब से 15 इयर्स पहले कितने लोग आईफोन परचेज कर पाते थे और आज की डेट में कितने लोग परचेज कर पाते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे?